गुड मॉर्निंग क्लास एट हाव आई यू ऑल बेटा सो लेट स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ जियो लेसन सेवनटीन मैन्युफैक्चरिंग इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग आपको पता ही है बेटा किसी चीज़ को बनाना मैन्युफैक्चर करना अब फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइज साइज के अकॉर्डिंग ये होती हैं तीन थ्री टाइप्स की कोटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अकॉर्डिंग ये होती है फोर टाइप्स की एग्रो बेस्ड मैरिन बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन आउटपुट इसके अकॉर्डिंग होती है बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑनरशिप फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस Public sector enterprises, joint sector enterprises, and cooperative sector enterprises. First of all, we are going to read about the based on size classification of industries. Industries are classified into three main categories on the basis of capital investment, the number of labors.

थ्री टाइप्स में किया है कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसका जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो इस आ, मतलब उसको क्लासिफाई करने के भी बहुत सारे रीज़न है जैसे हमारे पास मनी कितनी है हमारे पास हमारे पास मनी कितनी है हमारे पास लेबर कितनी है उसको करने के लिए जिस अकॉर्डिंग मनी होती है या लेबर होती है हम उस अकॉर्डिंग ही इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर लेते हैं इंडस्ट्री One cottage industry. A cottage industry is one in which either a community or a family produces one or two items from generation to generation, where n capital involved is small production made in the household and the use of machinery is limited or almost nil. Example. Uh, incense sticks, roasted chapati, khakra bowls, and dishes made of leaves of khakra tree, pepper pickle, etc. A कॉटेज इंडस्ट्रीज बेटा कौन सी होती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें कोई बिजनेस जो होता है वो मतलब घर पे ही स्टार्ट किया जाता है जैसे घर से ही पीकल बनाकर बेचना पापड़ बनाकर बेचना या फिर छोटा सा मतलब हम कह सकते हैं जैसे बैंगल बॉक्सेस होते हैं वो भी बनाए जाते हैं या फिर आ, मतलब घर पे ही कुछ चीज़ बनाकर बेचना दैट इज़ कोल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज आजकल लोग क्या कर रहे हैं आ, आपने देखा ही होगा कि जो ये केक्स वगैरह होते हैं या कुछ होता है तो वो घर से ही बनाकर मतलब सेल करते हैं तो वो भी हम कॉटेज uh, इंडस्ट्रीज़ के uh, अंदर ही लेकर आ सकते हैं नाउडेज वुमेन बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज़ फॉर्म स्मॉल एसोसिएशन एंड रन सच कॉटेज इंडस्ट्रीज अब बेटा आज के टाइम में क्या होता है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करती हैं लेडीज़ वो आपस में मिलकर अपनी एक कम्युनिटी बना लेती हैं आपस में मिलकर एक वर्क स्टार्ट कर लेती हैं वो काम जो होता है वो घर से ही चलाती हैं तो उसको भी हम कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही लेंगे टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री स इन इनडिपेंडेंट एरिया फॉर प्रोडक्शन मोर लेबर्स देन कोटेज इंडस्ट्री अ फ्यू सिंपल और प्राइमरी मशीन्स एंड अलॉट मोर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी कॉल्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अब बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं Uh, हम देखें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसके अंदर ना तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकती है लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज से ज़्यादा थोड़ी लेबर चाहिए होती है या और थोड़ा ज़्यादा उससे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उससे ज़्यादा थोड़ा पैसा चाहिए होता है लेबर्स भी लेबरर्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा चाहिए होते हैं इंडस्ट्री टॉयज फर्नीचर चेंसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दीज इंडस्ट्रीज आर ऑनर्ड मोस्टली बाय इंडिपेंडेंट पर्सन और प्राइवेट एंटरप्राइज एंटरप्र थ्री हैवी अब बेटा ये क्या होती है uh, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं मतलब किसी एक uh, किसी एक जने के अंडर होती हैं वो अपने लेबर रख कर उससे वर्क करवाता है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा जैसे टॉयज बनाना फर्नीचर की इंडस्ट्री या फिर यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम नाउ थर्ड वन इज हैवी इंडस्ट्रीज या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं जिसको दोज इंडस्ट्रीज विच आर डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल वेयर There is heavy investment of capital, which have huge machinery, skilled professionals and laborers, and which have a national and international market, are known as heavy industries. अब इतना इसके अंदर क्या होता है heavy industries के अंदर बहुत सारी जगह चाहिए होती है इस industries को लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और इसका जो बनाया हुआ सामान होता है वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल होता है इसके अंदर जो होता है बेटा एक्सपोर्ट्स जो होते हैं काम को करने वाले और जो लेबरर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं एग्ज़ाम्पल आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल पेट्रोलियम रिफाइनरी शिप बिल्डिंग अब बेटा टेक्सटाइल प्रोडक्शन और जो स्टील आयरन वगैरह बनता है या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह बनती हैं ये सब हैवी जो होता है या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसके अंडर आता है तो ये थी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का